बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पीएनसी की एक क्लास, जिसमें कल से एक एक्सरसाइज चल रही है। कल हमने एक एक्सरसाइज की थी और आज दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। सेंटेंस करेक्शंस की प्रैक्टिस कर रहे थे हम, और हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ लिया और कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस पढ़ लिया। तो अब टेंसेस से रिलेटेड ही सेंटेंस करेक्शन करेंगे पहले, और एक्सरसाइज करेंगे, और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपने रिस्पॉन्ड करना है, आंसर्स देने। ठीक है? हाँ भाई, स्टार्ट कर ले। एक मिनट, जरा सही कर दूँ। ओके, चले, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ये तो है जरा मुश्किल वाले। मैं चैट ओपन कर लूँ, और चैट चैट ओपन करके मैं साइड ब्रेक करूँ, और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ इस पेज पे। हाँ जी, अच्छा, कुछ करेक्शंस जो हैं वो सिर्फ टेंस की नहीं है, ठीक है ना, बल्कि और डिफरेंट चीजों के लिए। हाँ जी, हाँ भाई, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चले, पहले ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। पहले सब लोग जरा एक एक मैसेज कीजिए, क्या ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मेरी आवाज साफ आ रही है? जल्दी से बताइए। ओके, क्लियर है। चले, स्टार्ट लेते हैं। सेंटेंस नंबर वन आपके सामने है, आई डैश अ शॉवर व्हेन यू कॉल। अ लिटिल बिट डिस्टॉर्शन वॉइस में। अब देखिए, अब सही आ रही है आवाज? हाँ भाई, अब सही है? जल्दी बताइए, क्या आप सही है आवाज? वॉज टेकिंग, यस। देखो, वॉज टेकन इसलिए नहीं होगा, ये तो पैसिव है, और टुक इसलिए नहीं होगा, इट इज नॉट अ मोमेंटरी और इंस्टेंट एक्शन, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्शन नहीं है। तो वॉज टेकिंग ही सही आंसर है इसका। वेरी गुड। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, माई ब्रदर डैश नेवर बीन टू यूरोप अंटिल ही वेंट देयर लास्ट ईयर। हाँ जी, हैज, किरण कह रही हैज आएगा। और क्या क्या राय है सबकी? अब मैं बताऊं, है डायरेक्ट क्यों आएगा? है बेटे, अंटिल है। देखो, एक बात याद रखो, हमने तो पढ़ा था प्रेजेंट पर, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट, लेकिन वहां शर्त क्या थी कि दरमियान में अंटिल नहीं, सिंस होगा, सिंस। अब असल में ये दो बातें, अगर मैं यहां पर अंटिल हटाकर सिंस लगा दूं, अब हैज करेक्ट आंसर है। क्यों? मैं दोबारा वजाहत कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अब देखें, जो आप सोच रहे थे,
माई ब्रदर हैज नेवर बीन टू यूरोप सिंस ही वेंट देयर लास्ट ईयर। मेरा भाई जब से इंग्लैंड जब से यूरोप गया है पिछले साल, उसके बाद से अब तक दोबारा कभी नहीं गया। ठीक है ना, एक तो ये बात हो गई। लेकिन यहां पर सिंस नहीं है, यहां पर सिंस नहीं है, अंटिल है। और अंटिल का मतलब ही अंटिल ही वेंट देयर लास्ट ईयर, पिछले साल जब वो यूरोप गया उससे पहले की बात हो रही हो। ही वेंट देयर लास्ट ईयर, वो यूरोप गया था पिछले साल। अंटिल लगा है इसका मतलब अब उससे पहले की बात हो रही है। यहां अंटिल की जगह अगर मैं बिफोर लगा दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अंटिल या अब देखिएगा, माई ब्रदर हैड नेवर बीन, अब हैड है आंसर, माई ब्रदर हैड नेवर बीन टू यूरोप बिफोर ही वेंट देयर लास्ट ईयर। तो ये अंटिल या बिफोर बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट आए, क्योंकि ये वेंट से पहले की बात है और पास्ट ऑफ द पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है। हाँ भाई, किसकी समझ में नहीं आई ये बात? क्लियर हो गया ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। नंबर थ्री देखिएगा, अब देखो मैंने दोनों तरीकों से बता दिया आपको, अंटिल या बिफोर होगा तो हैड करेक्ट ऑप्शन है, यही सेंटेंस लिखा होता और यहाँ पे सिंस होता तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, हैज। ये मैंने स्ट्रक्चर करवाया आपको दोनों, एक पास्ट ऑफ द पास्ट का करवाया था और एक सिंस के साथ सिंपल पास्ट करवाया था। हाँ जी, डाइन डैश वेरी सिक, नाम है डाइन, बट शी डिसाइडेड टू गो आउट एनीवे। आप जरा बताइएगा मुझे, करेक्ट ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सामने आ गए। अब देखो यहां पर एक क्लॉज है सिंपल पास्ट में, वेरी गुड, एक क्लॉज है सिंपल पास्ट में, है ना, एक क्लॉज यहां पर है सिंपल पास्ट में, शी डिसाइडेड टू गो आउट एनीवे, शी डिसाइडेड सिंपल पास्ट। तो यहां दूसरा क्लॉज या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन गिवन नहीं है, तो ये वॉज फीलिंग आएगा। पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन गिवन होता भी तो यहां पर वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शी वॉज फीलिंग वेरी सिक, वो बीमार थी, बीमारी में मुब्तला थी, बीमार महसूस कर रही थी, बट शी डिसाइडेड टू गो आउट एनी वे। यहां पर मोमेंटरी एक्शन कौन सा है, डिसाइडेड, और फीलिंग वो एक्शन है जो मोमेंटरी एक्शन नहीं है, ऑलरेडी कंटिन्यू। नंबर फोर देखिएगा, आई डैश टू गो स्विमिंग बट द वॉटर वॉज टू कोल्ड। हाँ जी, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि बट के बाद सिंपल पास्ट टेंस है, द वॉटर वॉज टू कोल्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब यहां पर आई के साथ जो भी टेंस आएगा वो पास्ट में ही आएगा, पास्ट में ही आएगा ना। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, हैव वॉन्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन दरमियान में सिंस नहीं है, एम वॉन्ट कोई टेंस बना ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, यानी वॉन्टेड। आई वॉन्टेड टू गो स्विमिंग बट द वॉटर वॉज टू कोल्ड, ठीक है। नंबर फाइव देखिएगा, ही डैश हर ऑल नाइट, जी ना, ऑल नाइट कुछ बता रहा है, कौन सा टेंस होना चाहिए? ऑल नाइट का मतलब यह हुआ कि जनाब पिछली सारी रात की बात हो रही है ना,
अब देखो, अगर मैं कहूँ ही वॉज कॉल्ड टू द पैसिव वॉइस बन जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ही वॉज कॉलिंग हर ऑल नाइट या ही हैज कॉल्ड हर ऑल नाइट। यहां पर ही वॉज कॉलिंग हर ऑल नाइट, नहीं ही हैज कॉल्ड हर ऑल नाइट। सारी रात उसने उसे पुकारा है या उसे कॉल की है। बेटे वॉज कॉलिंग ऑल नाइट के साथ नहीं है। हाँ लास्ट नाइट होता तो हम कहते ही वॉज कॉलिंग हर लास्ट नाइट, लेकिन ऑल नाइट का मतलब यू कवर द ऑल द पीरियड ऑफ नाइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है भाई। ठीक है नजीर साहब, समझ में आया है? ये बात समझ में आई आपको? जल्दी बताइए। हाँ इसको दो तरह से कह सकते हैं आप। हाँ ही हैज कॉल्ड हर ऑल नाइट, तर्जुमा दो तरह से हो सकता है। उसने सारी रात उसे पुकारा है या उसने सारी रात उससे कॉल की है। दोनों तरीके सही है, लेकिन ही वॉज कॉलिंग हर ऑल नाइट तो सारी रात कॉल कर रहा था। नहीं, ये जुमला ही नहीं बना। करता रहा कहते हम, है ना? तो फिर हम कहते कि ही हैज बीन कॉलिंग हर ऑल नाइट, तो सारी रात कॉल करता रहा उसे। ठीक है ना? तो फिर तो हम कह सकते, लेकिन वो ऑप्शन हमारे को मौजूद नहीं है जनाब। नंबर सिक्स, आई डैश एबल टू स्लीप वेल फॉर अ वीक नाउ। हाँ जी, देखो फॉर अ वीक आया ना, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक जो है ये क्या है? ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन परफेक्ट में आता है। ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आता है? परफेक्ट में। लिहाजा ऑप्शन ए और बी जो है, वन और टू, डिडेंट वॉज, तो डिडेंट वॉज तो आ नहीं सकता। जब वॉज आ गया तो डिड कैसे आएगा, और डिड आ गया तो वॉज कैसे आएगा? एक साथ कभी भी नहीं आते। वॉज नॉट पास्ट में चला जाएगा, जबकि फॉर अ वीक बता रहा है कि ये परफेक्ट है। तो वहां पर एक ही ऑप्शन है, आई हैवेंट बीन एबल टू स्लीप वेल फॉर अ वीक नाउ। ठीक है, अब मैं एक एक हफ्ते भी अच्छी तरह सोने के काबिल नहीं हूं। ठीक है, आई हैवेंट बीन एबल टू स्लीप वेल फॉर अ वीक नाउ। ठीक है, सेवन देखिए, व्हेन आई फर्स्ट सॉ हर, सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन आई फर्स्ट सॉ हर। अब आगे देखिएगा, या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। यस, पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन गिवन नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बैल्कनी, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बैल्कनी, ऑप्शन वन। अब शी हैज स्टूड कर देते, या कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ नहीं है, और शी हैज बीन स्टैंडिंग कर देते तो भी पीरियड ऑफ टाइम गिवन नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी दोनों प्रेजेंट के टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबकि हमारे पास एक क्लॉज सिंपल पास्ट में मौजूद है वेन के साथ। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, नंबर एट, एवरी टाइम आई लुक्ड एट हर शी डैश, एवरी टाइम आई लुक्ड एट हर, जितनी बार भी मैंने उसे देखा शी डैश, क्या होना चाहिए? शी स्माइल्ड, एवरी टाइम आई लुक्ड एट हर शी स्माइल्ड, जितनी बार भी मैंने उसे देखा वो मुस्कुराई। ठीक है, शी हैज स्माइल नहीं आ सकता, और शी स्माइल्स तो आ नहीं सकता। जब भी मैंने उसे देखा वो मुस्कुराई, शी स्माइल्ड हो। ठीक है,
नंबर नाइन देखिएगा, आई स्टॉप स्मोकिंग अ लॉन्ग टाइम अगो। हाँ भाई, इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या है, सबसे बड़ा हिंट जिससे हम टेंस को पहचानेंगे, वो हिंट है अगो। वेरी गुड, गुड आंसर। अगो अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, किसी क्लॉज में आ जाए, तो उसका टेंस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस होता है, कोई और टेंस हो नहीं सकता। ये देखो, टिप्स जो मैं देता हूँ थोड़ी थोड़ी, अब मैंने एक जुमला कह दिया, ये बड़ा कीमती है, संभाल के रखना इसको। अगर किसी सेंटेंस या क्लॉज में एडवर्ब आ जाए अगो, तो सिंपल पास्ट टेंस के सिवा कुछ मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, नंबर 10 देखना। रियली, यू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, हाउ लॉन्ग डैश एट द न्यू अपार्टमेंट। हाँ जी, अब बताइएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितना अरसा, कब से, कब से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, वेरी गुड वेरी गुड। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, कब से रह रहे हो। ठीक है, रियली यू मूव टू न्यू अपार्टमेंट, वाकई तुम नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग एट द न्यू अपार्टमेंट, तुम नए अपार्टमेंट में कब से रह रहे हो। आंसर आएगा, आई हैव बीन लिविंग एट द न्यू अपार्टमेंट सिंस जनवरी। यह आंसर आएगा, आई हैव बीन लिविंग इन द न्यू अपार्टमेंट एट द न्यू अपार्टमेंट फॉर 6 months। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। सही है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज, ये मुश्किल है थोड़ी सी, तो बाद में करते हैं। देखो ये एक मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा। इफ द बुक्स हैव बीन कैटलॉग्ड लास्ट वीक, व्हाई हैवेंट दे बीन प्लेस्ड ऑन द शेल्फ। अंडरलाइंड पार्ट जो है, अंडरलाइंड पोर्शन, इसको हमने करेक्ट करना है अगर इसमें एरर है तो। ऑप्शंस 5 दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई। ए सेम है, ए ऑप्शन ए सेलेक्ट करने का मतलब कि देर इज नो एरर, बी सी डी ई में करेक्शंस हैं। इफ द बुक्स हैव बीन कैटलॉग्ड लास्ट वीक, यहां पर मुझे सबसे बड़ा हिंट नजर आ रहा है, लास्ट वीक। और ये जो लास्ट वीक है, नजर आ रहा है भाई, मैं बड़ा कर दूं उसको, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं, ज्यादा बड़ा हो गया। अब सही, ठीक है ना, अब मेरा ख्याल है सबको एक जैसा नजर आ रहा हूँ। देखो भाई, यहां पर जो हिंट है वो क्या है, ये जो लास्ट वीक है ना बेटा, ये लास्ट वीक मैं हाईलाइट कर दूं, ये देखिए, ये बता रहा है कि पिछले हफ्ते की बात हो रही है। कौन सा टेंस होना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा टेंस होना चाहिए। अच्छा, हैड बीन कैटलॉग कह रहे हैं आप, तो आगे देखो क्या है, व्हाई हैवेंट दे बीन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर कोई पास्ट आ सकता है तो वो सिंपल पास्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर कोई पास्ट कंबाइन होगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा, मेरा जुमला याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर कोई पास्ट का क्लॉज कंबाइन होगा तो वो हमेशा सिंपल पास्ट होगा, कोई और पास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, वैसे तो यहाँ पर ए में कोई एरर नहीं है, बी देखो वुड हैव बीन कैटलॉग, तो बेटा इफ क्लॉज के साथ, ये जो इफ लिखा ना शुरू में, ये जो इफ है,
इसके साथ वुड हैव कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब सी देखो, वॉज कैटलॉग, तो बुक्स प्लूरल है, बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो वॉज नहीं आ सकता, ठीक है। और हैड बीन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैंने हाईलाइट कर दिया, किसकी वजह से हुआ ही करेक्ट, पैसिव वॉइस है। इफ द बुक्स वर कैटलॉग लास्ट वीक, अगर किताबें पिछले हफ्ते तरतीब दे दी गई थी, कैटलॉग कर दी गई थी, व्हाई हैवन्ट दे बीन प्लेस्ड ऑन द शेल्फ, तो फिर वो शेल्फ पर क्यों नहीं रखी गई। शेल्फ में किताबें रखने से पहले कैटलॉग की जाती है, तरतीब में दी जाती है ना। हाँ, वर्क कैटलॉग पैसिव वॉइस है, पास्ट इनडेफिनिट।